हेलो एवरीवन, आई एम विवेक राय, सीनियर बायो फैकल्टी स्नैप सॉल्व। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज हमें पढ़ना है, आपने थंबनेल में देख रखा होगा, बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का थर्ड पार्ट है। लेकिन साथ में ही हम लोग आज पढ़ लेंगे एप्लीकेशन का भी, जो मेजर पार्ट है वो पढ़ लेंगे एप्लीकेशन का। ठीक है, हो सकता है पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाए, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाले हैं। और हम देख लेते हैं कोई बच्चा कनेक्ट हुआ हो तो, ठीक है, नहीं तो फिर चलेंगे हम और आप शुरू करेंगे। स्टार्ट तो क्यों नहीं हुआ, स्टार्ट तो हो जाना चाहिए। हाँ देखिए, हम आ गए, दिख गए एकदम। ठीक है, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पहला देखने जा रहे हैं प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में जो बचा हुआ पोर्शन था वो कंप्लीट करेंगे। और अभी हमारे पास बचा है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में सबसे पहला जो आएगा वो आपको एक डायग्राम एनसीईआरटी का देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, एक सिंपल स्टर्ड बायो टैंक रिएक्ट, सिंपल स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर। ठीक है, और एक आपका स्पार्ज स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर मिलेगा। ठीक है, ये दोनों क्या है, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। कि अगर मान लीजिए आपके घर में आपको दही जमानी है, ठीक है, दही मतलब कर्ड जमानी है, अब क्या करोगे, दूध को बॉयल करोगे, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे एक आ जाएगा, ठीक है, हल्का एकदम गर्म रह जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा इनोकुलम ऐड करोगे, मतलब जिसको बोलते हैं थोड़ी सी दही ऐड करोगे, और उसके बाद उसको प्रॉपरली मिक्स करके, ठीक है, एक वार्म इन्वायरमेंट में रख देंगे, गर्म होके कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, जिससे क्या होगा वो 8 से 10 घंटे में प्रॉपर सेटल हो जाएगा, यानी जो दही है वो बन जाएगी, कर्ड हमारी बनकर रेडी है। ये तो हो गया स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन करने का। लेकिन अगर हमें लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना हो, हाँ, तो आप लोग बोलोगे बड़ा सा कंटेनर ले लेंगे, बिल्कुल बड़ा सा कंटेनर लेंगे, लेकिन क्या पता आपको दूध नीचे से गर्म करेंगे, अगर नीचे से गर्म भी करेंगे तो दूध जल नहीं जाएगा नीचे वाले सरफेस पे। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग नहीं करते हैं, जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है वो कुछ डिफरेंट होता है जो कि हम लोग घरों में करते हैं। ठीक है, तो लार्ज स्केल की जरूरत क्यों आन पड़ी, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। वेलकम जया, वेलकम। ठीक है, तो लार्ज स्केल में अगर आप देखोगे, लार्ज स्केल यानी कंपनीज की बात करो, जैसे अमूल की कंपनी हो गई, मदर डेरी हो गई, और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, ठीक है, जो कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं बहुत सारा। पहले के जमाने में आप देखिएगा कि एक दूध वाले भैया आते थे, वो दूध दे के जाते थे घर पे, हाँ, जो भी होता था, ठीक है, उनका टाइमिंग फिक्स नहीं रहता था, अगर कभी नहीं आए तो हमें दूध मिल नहीं पाता था, चाय ऐसी काली बनती थी। लेकिन अभी क्या सीन है कि आपको दूध का पैकेट किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं, जहां पर जाइए किसी भी ग्रोसरी शॉप से एक दूध का पैकेट खरीद सकते हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की वजह से, ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से क्या हो गया कि चीजें आसानी से मिल जा रही हैं और लार्ज स्केल में प्रोड्यूस की जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉस्ट भी आपको नॉर्मल मिल जा रहा है। ठीक है, अच्छा, घर पे जो दूध आता था पहले उसमें कभी पानी ज्यादा हो गया, कभी पानी कम हो गया, लेकिन जो आप पैकेट वाला लाते हो वो एकदम एक जैसे होता है। तो आप लोग सोच रहे हो इससे इसका क्या लेना देना, बिल्कुल लेना देना है। जब हम लार्ज स्केल में करते हैं ना बच्चों, तो लार्ज स्केल में क्या होता है कि उसको प्रोसेस करने की टेक्निक अलग है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में अगर हम देखेंगे तो ये प्रोसेसिंग है एक तरीके से, कि जो हमें फाइनल प्रोडक्ट है वो कैसे कई सारे स्टेप से होके गुजरेगा, यानी हमने बना लिया जो फाइनल प्रोडक्ट, अब वो क्वालिटी चेक से गुजरेगा। ठीक है, तो एक होता है अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग, एक होता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अप स्ट्रीम ऑलरेडी हो चुका है, हम लोग देखेंगे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का प्रोसेस देखेंगे। अब इसमें क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, एक लार्ज टैंक है, इस टैंक में देखिए बीच में क्या लगा है, ये यहाँ पर मोटर लगा है और उससे जो अटैच यहाँ पर ब्लेड है, क्या है, ब्लेड है। अब जैसे ही मोटर रोटेट करेगा, ठीक है, इसका फायदा क्या है, इसका इस बायो रिएक्टर का फायदा क्या है, जैसे ही ये मोटर रोटेट करेगा इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो प्रॉपरली मिक्सअप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रॉपरली मिक्सिंग हो जाएगी उसकी, पहला पॉइंट। और उससे जो भी फोम निकलेगा, आपको पता है कई बार रोटेट करने की वजह से, जैसे सोप होता है ना, सोप कपड़े धुलने के लिए जो साबुन होता है उसमें से झाग निकलता है ना, उसी तरीके से रोटेट जब करेगा ये मोटर तो खूब सारा फोम निकलेगा, तो फोम बनेगा, वो फोम को ब्रेक करने के लिए फोम ब्रेकर होता है। अच्छा, अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए उसलिए नीचे से स्टेराइल एयर दिया जाता है। ठीक है, अंदर बैक्टीरिया की वजह से अगर आप देखेंगे तो एसिड एसिड और बेस को मेंटेन करने के लिए, यानी पीएच को कंट्रोल करने के लिए भी यहां पर क्या दिया रहता है, यहां पर एसिड बेस पीएच कंट्रोल दिया रहता है। ठीक है,
और यहां से हम क्या करते हैं, स्टीम पास करते हैं। क्या करते हैं, जो भी अंदर हमारा कंटेंट रहेगा उसको गर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टीम पास करेंगे, जिसमें उससे माइक्रोब्स क्या करें, सर्वाइव ना करें, ठीक है। तो और अंदर क्या होगा, हमारा कल्चर होगा, जो भी चीज हम कर रहे हैं, चाहे विनेगर बना रहे हैं, चाहे अल्कोहल बना रहे हैं, चाहे जो भी चीज का प्रोडक्शन हमें करना है, वो चीज अंदर है। यानी अगर हम सिंपल स्टर्ड बायो टैंक टैंक बायो रिएक्टर की बात करेंगे, सिंपल स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर की बात करेंगे, तो इसके अंदर हर ऑप्टिमम कंडीशन बनाए रखने के लिए सब कुछ दिया हुआ है। मान लीजिए प्रेशर ज्यादा ना हो जाए, इसलिए प्रेशर गेज दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि भैया एसिड ज्यादा ना हो जाए तो एसिड, या बेस ज्यादा ना हो जाए, बेसिक ना हो जाए तो एसिड बेस को पीएच कंट्रोलर भी यहाँ दिया हुआ है। स्टीम से स्टेरलाइज करने का टेक्निक है, ठीक है। अंदर एरेशन के लिए स्टेराइल एयर दिया जा रहा है। तो यानी अगर आप देखेंगे कि अगर मैं पूछूं कि भाई इन दोनों में बेस्ट कौन है, अभी तो इसके बारे में आपने जाना ही नहीं, लेकिन मैं पहले ही आपको बता दूं ये ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज ऑप्टिमम कंडीशन मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हर चीज दी गई है, ठीक है। जबकि आप स्पार्ज स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर की बात करेंगे, ये क्या होता है कि स्पार्ज वाला क्या होता है कि यहाँ नीचे से एक ट्यूब कनेक्टेड होता है जिससे एयर बबल निकलते हैं। इस एयर बबल के इंटर करने की वजह से क्या हो जाता है कि जो गैस प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जो अगर आप देखिए यहाँ पर लिखा है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसफर, बेटा ये बायोटेक्नोलॉजी का ही एक टॉपिक है। अगर आप देखेंगे तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया था डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। यानी जो भी हमारा प्रोडक्ट बना, जैसे कि आपके यहाँ पर आपने सुना होगा कि जब भी प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, फैक्ट्रीज में, तो पैकिंग के लिए जाता है। पैकिंग के बाद पैकिंग के पहले ही अगर देखा जाए तो क्वालिटी चेक से गुजरता है, क्लिनिकल ट्रायल से गुजरता है। कि अगर कोई भी मेडिसिन बनी है ना, तो उसको पहले क्लिनिकल ट्रायल से गुजारना पड़ेगा। मान लीजिए टमेटो केचप बनाया गया, ठीक है, यानी सॉस बनाया गया, तो जो सॉस बनाया गया उसका सब कुछ चेक होगा कि उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, थिकनेस कैसी है, टेस्ट कैसा है, उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं है, सब कुछ चेक किया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर प्रॉपर मिक्सिंग हो जा रही है। हर वो जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए, डिजायर्ड प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, उसके लिए हर चीज दिया गया है इस वाले में। जबकि इस वाले में आप देखेंगे नीचे से क्या पास किया जाता है, एयर ट्यूब लगी रहती है, और यहां पर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। जैसे ही ट्यूब में एयर जाती है, ये पोर्स बबल के फॉर्म में बनकर यहां पर आते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का फ्लो अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर मिक्सिंग भी होती है, ठीक है, और ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए क्या होता है, सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है। दूसरा क्या है, ये जो है ये रोटेट करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपरली मिक्सिंग हो पाती है। क्या हो पाती है, प्रॉपर मिक्सिंग हो पाती है, ठीक है। अच्छा, ये आपकी बुक में नहीं है, बट कोई नहीं बेटा, आपकी बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, कि अगर आप देखोगे जब ये रोटेट करेगा तो एक तो प्रॉपर मिक्सिंग होगी, और नीचे से अगर आप देखेंगे तो एयर बबल जा रहा है, तो एयर बबल से क्या होगा, ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का ट्रांसफर एरिया बढ़ जाएगा। ये था डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसके बाद क्वालिटी चेक से गुजरने के बाद, क्लिनिकल ट्रायल से गुजरने के बाद पैकिंग होती है, फिर मार्केटिंग हो जाती है और प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि जो भी हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया, जिन भी चीजों को बनाया, उनका एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूज क्या है, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यूज क्या है, तो आंसर आता है बीटी कॉटन का नाम आप जान लीजिए। बीटी कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले कहानी छोटी सी सुन लीजिए बीटी कॉटन की, ठीक है। मैं आपको कहानी थोड़ी सी बताता हूँ, पहले पेन ले लेता हूँ, एक तो कहाँ गया पेन, पेन ले लिया हमने, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए, मान लीजिए ये प्लांट है, बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये एक प्लांट है, मान लीजिए यहाँ पर, हाँ, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर प्लांट है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर लीफ लगी हुई है इसकी, ठीक है, और यहाँ पर लीफ लगी हुई है, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, होता क्या है कि इसमें क्या करते हैं, बीटी कॉटन, मान लो ये क्या है, बीटी कॉटन है, ठीक है, हाँ, बीटी कॉटन बोल, बीटी का मतलब क्या होता है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ठीक है। इसके अब बीटी कॉटन ये जो प्लांट है, इस प्लांट के अंदर कैसे रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी डेवलप की गई, इसके अंदर बीटी का जीन इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, क्या, बीटी का जीन इंट्रोड्यूस करा दिया गया, ठीक है। तो जितने भी यहां पर प्लांट बॉडी के सेल्स जो हैं, सब में बीटी का जीन है। अब मान लीजिए कोई भी इंसेक्ट इसको खाने के लिए आया,
कोई भी इंसेक्ट इसको खाने के लिए आया। जैसे ही इंसेक्ट खाने के लिए आएगा तुरंत क्या होगा बच्चों कि जैसे ही एक बाइट लेने की कोशिश करेगा इंसेक्ट के, देखिएगा इंसेक्ट के गट में क्या होगा, पोर क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यानी इंसेक्ट के गट में पोर क्रिएट हो जाएगा और फिर वो जो भी खाने की कोशिश करेगा वो उसके स्टमक तक नहीं पहुंच पाएगा, यानी स्टार्वेशन की वजह से। किसकी वजह से? स्टार्वेशन की वजह से, भूखमरी की वजह से क्या हो जाएगा, इस इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो कोई भी कैटरपिलर या सम कुछ भी यहां पर कोशिश अगर कर रहा है आने की, ठीक है, या खाने की कोशिश करेगा, तो बीटी कॉटन के सबसे अच्छी बात क्या थी कि बीटी कॉटन जो प्लांट डेवलप किया गया था, इसकी लीफ को, ट्विग्स को, कोई भी हल्का सा भी कोई कैटरपिलर इंसेक्ट खाने के लिए आएगा, तुरंत क्या करेगा, जैसे ही वो बाइट लेगा तुरंत उसके गट में क्या हो जाएगा, पोर्स क्रिएट हो जाएंगे और बाद में क्या हो जाएगा, जो वो जो भी खाएगा उसके स्टमक तक नहीं पहुंच पाएगा, या ये बोल सकते हैं कि इवन उसकी जो डेथ होगी वो स्टार्वेशन, भुखमरी की वजह से हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, बेसिलस थ्यूरिन जेनेसिस, ठीक है, हैज रेजिस्टेंस टू लेपिडोप्टेरॉन, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो बेसिलस थ्यूरिन जेनेसिस जो है इसके अंदर क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस है, ठीक है। किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है? लेपिडोप्टेरॉन्स। लेपिडोप्टेरॉन्स का मतलब क्या है? टोबैको बड वॉर्म और आर्मी वॉर्म से क्या है इसको कोई मतलब, इसको रिलीफ है, ठीक है, इससे रेजिस्टेंस है इसके पास। यानी टोबैको बड वॉर्म इसका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते हैं, आर्मी वॉर्म जो है वो भी उसका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते, और कोलियोप्टेरॉन्स से भी इसको आराम मिलता है। कोलियोप्टेरॉन्स मतलब बीटल्स भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं बीटी कॉटन को, और डाइप्टेरॉन्स भी यानी फ्लाइज और मस्क्यूटो भी क्या करते हैं, बीटी कॉटन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो बेसिलस थ्योरिन जेनेसिस के अंदर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी पाई जाती है बच्चों, किससे किससे? लेपिडोप्टेरॉन यानी टोबैको बडवर्म, आर्मी वॉर्म्स, कोलियोप्टेरॉन्स यानी बीटल्स, और डाइप्टेरॉन्स बोले तो आपका फ्लाइज और मस्क्यूटो, ठीक है। जब ये जीन ऐड किया गया था प्लांट में, ठीक है, तो बेसिलस थ्यूरिनजेंसिस क्या कर रहा था, ठीक है, कैन कोड फॉर टॉक्सिकेंट टू द पेस्ट, ठीक है, देयर बाई प्रोटेक्टिंग द कॉटन प्लांट। अब होता क्या है कि वो जो बीटी जीन होता है वो एक तरह का टॉक्सिक जीन है इंसेक्ट्स के लिए, ठीक है, तो प्लांट के लिए टॉक्सिसिटी लेकिन हमारे लिए टॉक्सिसिटी नहीं है। सवाल उठता है व्हाई डज नॉट द टॉक्सिन किल द बैक्टीरियम? अगर बीटी जीन मतलब बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से अगर हम बीटी जीन लेके इंसेक्ट को मार रहे हैं तो क्या ये बीटी जीन ये बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकता है? सवाल उठता है ना कि अगर बेसिलस थ्यूरिन जेनेसिस का हम जीन ले रहे हैं और वो इंसेक्ट को किल कर रहा है तो क्या बीटी जीन खुद बैक्टीरिया को किल नहीं करेगा? तो वो आंसर आता है कि नहीं करेगा। रीजन क्या है? दिस इज बिकॉज इट प्रोड्यूस टॉक्सिन इन इनएक्टिवेटेड फॉर्म। यानी ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो बीटी जीन है, यानी ये जो बेसिलस थ्यूरिन जेनेसिस है, ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। अब जैसे ही इंसेक्ट गट मतलब जैसे ही इंसेक्ट क्या करता है, फीड करता है, तुरंत ये इनएक्टिव जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उनके वो जो गट होता है उसमें अल्कलाइन पाया जाता है, अल्कलाइनिटी वाला इन्वायरमेंट पाया जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, वो इनएक्टिव जो टॉक्सिन था वो एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इंसेक्ट की डेथ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बताया है कि जो भी टॉक्सिन प्रोड्यूस किया जाता है बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के द्वारा वो इनएक्टिव होता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही इंसेक्ट उसको बाइट करेगा इंसेक्ट के गट में जाएगा, एल्कलाइन पीएच होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएंगे। यानी ये जो बीटी टॉक्सिन होते हैं ये एल्कलाइन पीएच में एक्टिव होते हैं। उसके बाद क्या होगा? पोर्स। गौरव गौरव वेलकम, गौरव वेलकम, ठीक है। हाँ आई नो, सेवेंथ क्लास आपने बताया था, शायद सेवेंथ क्लास में आप थे, सेवेंथ और नाइन्थ कुछ बताया था आपने, काफी दिन हो गया मेरे को दिमाग से उतर रहा है, थोड़ा आप रिमाइंडर दीजिएगा। क्रिएट पोर इनसाइड सो दैट इंसेक्ट डाइज, यानी क्या करेंगे, इंसेक्ट का जो गट होगा उसमें पोर्स क्रिएट कर देंगे जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तीन स्पेसिफिक जीन्स हैं बेटा, हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस हो चुका है, मोस्टली अब हम चल रहे हैं एप्लीकेशन की तरफ। तो आप समझ लीजिए कौन कौन से जीन होते हैं, क्राई वन ए सी, क्राई टू ए बी, ये कॉटन बॉल वॉर्म के लिए है, और क्राई वन ए बी जो है ये कॉर्न बोरर इंसेक्ट के लिए है। कॉर्न
कॉर्न बोरर इंसेक्ट कौन से होते हैं? आपने देखा होगा बैगल, देखा होगा, हम यहाँ कॉर्न बोरर नहीं बता रहे, आपको बोरर इंसेक्ट के बारे में बता रहे हैं। आपने देखा होगा बैगल, देखा होगा ब्रिंजल, देखा होगा, उसके अंदर देखिएगा एक पोर्स टाइप का क्रिएट हो जाता है, अंदर पोर क्रिएट हो जाता है। यानी अगर मान लीजिए ये आपका ब्रिंजल है, ठीक है, अगर आप देखोगे ये ब्रिंजल है, ठीक है, ठीक है, ये ब्रिंजल है, तो इसमें पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, तो वो क्या करेगा, आर पार पोर क्रिएट कर देगा। तो कॉर्न बोरर में क्या होता है कि जो कॉर्न बोरर इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉर्न मान लो है तो उसके आर पार पोर क्रिएट कर देंगे, कर देंगे, ठीक है। तो उनके लिए कॉर्न बोरर के लिए कौन सा जीन होता है, क्राई वन ए बी होता है, और कॉटन बॉल वॉर्म के लिए आपका होगा क्राई वन ए सी एंड क्राई टू ए बी। ये पेपर में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या क्या, क्राई वन ए सी और क्राई टू ए बी जो है कॉटन बॉल वॉर्म के लिए है, और क्राई वन ए बी जो है वो कॉर्न बोरर इंसेक्ट के लिए, ठीक है। उम्मीद है बच्चा लोग आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है सबको, क्लियर है तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिएगा बेटा, थम्स अप कर दीजिएगा, हम फिर आगे बढ़ते हैं। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट कौन कौन से, ठीक है, तो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के लिए अगर आप नाम सुनेंगे तो एक होता है आरएनए इंटरफेरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, ये आरएनए इंटरफेरेंस जो है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, ये आरएनए इंटरफेरेंस अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक सेल में, बेटा ध्यान दीजिएगा, आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल है, जैसे कि हम लोग का सेल यूकैरियोटिक सेल्स है हम लोग में, तो यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो उनके अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म पाई जाती है, क्या पाई जाती है, डिफेंस मैकेनिज्म पाई जाती है, ठीक है, यानी स्पेसिफिक तरह के एमआरएनए को साइलेंट कर देते हैं। और आपको पता है अगर स्पेसिफिक तरह का एमआरएनए साइलेंट कर दिया गया तो प्रोटीन की भी सिंथेसिस नहीं होगी। एमआरएनए साइलेंसिस में सबसे शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है एमटीआर, यानी एमआरएनए टीआर और आरएनए होता है, तीन आरएनए होते हैं तीन टाइप्स के, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तीन टाइप के आरएनए होते हैं, एक का होगा होता होगा बेटा, लेकिन हमको भी याद नहीं है, हम एक बार देख के आपको करेक्ट करके तब बताएंगे, ठीक है। तो यूकैरियोट्स के केस में डिफेंस मैकेनिज्म पाई जाती है, और डिफेंस मैकेनिज्म कैसे है कि मान लीजिए कोई एमआरएनए है और कोई स्पेसिफिक तरह का प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहा है, ठीक है, तो उस पाया जाता है बेटा, लेकिन अभी एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं आपको देख के बताऊंगा, ठीक है, एक बार मैं देख लूंगा तो नेक्स्ट क्लास में जरूर बता दूंगा। तो होता क्या है कि एक स्पेसिफिक तरह के एमआरएनए को साइलेंट करवा दिया जाता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए का यूज करके, ठीक है। आपको पता होता है कि एमआरएनए सिंगल स्टैंड होता है, लेकिन यहां पर हम क्या यूज करते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए का यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, और प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी तो फिर क्या हो जाएगा, हम कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन वेक्टर का यूज करके, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, प्लांट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन के अंदर बेटा पाया जाता है क्या, टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, ये क्या करता है, कैंसर कॉज करेगा या ट्यूमर कॉज करेगा, हम क्या बोलेंगे, ट्यूमर कॉज करता है प्लांट में, कौन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन। तो करते क्या है कि प्लांट में जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन होता है उसका हम जो ट्यूमर कॉज करने वाला जीन है उसको हटाकर उसकी जगह पर हम रेजिस्टेंस वाला जीन डाल देंगे। अब जैसे ही एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, किसको, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, वो अच्छे वाले जीन चले जाएंगे, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाले जीन चले जाएंगे और प्लांट को रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्या बताया हमने, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस क्या करता है, प्लांट में ट्यूमर करवाता है, क्या कराता है, प्लांट में ट्यूमर कॉज करवाएगा, ट्यूमर कॉज करवाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके जो ट्यूमर वाले जीन है उसको रिमूव कर देंगे, इस जीन को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है, और उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस जीन डाल देंगे, कौन से, रेजिस्टेंस वाले जीन डाल देंगे जो कि प्लांट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे। अब जैसे ही एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस क्या करेगा, प्लांट को इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो हम सही बात तो देखा जाए वो प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है जब, बल्कि क्या प्रोवाइड कर रहा है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, और जैसे ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा प्लांट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, हमने आपको बता दिया था पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के बारे में बता दिया गया, जिसका नाम है एक तो मेलाइडोगाइनी इनकॉग्निटा, ठीक है, चलो मतलब ये पेस्ट का नाम है मेलाइडोगाइनी इनकॉग्निटा, ठीक है।
अभी हम देखेंगे एप्लीकेशन इन मेडिसिन, यानी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मेडिसिनल पर्पस से कैसे किया जाता है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मेडिसिनल पर्पस पे कैसे किया जाता है, ये चीज हमें देखनी है। ठीक है कि भैया मेडिसिनल पर्पस में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या बच्चों, हम आपको बता रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में हम देखेंगे क्या एप्लीकेशन इन मेडिसिन, क्या एप्लीकेशन इन मेडिसिन देखेंगे। चलिए, एप्लीकेशन इन मेडिसिन में जैसे ही हम लोग जाएंगे तो आप एक चीज देखिएगा, इसका फायदा क्या है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी से हम मेडिसिन क्यों बना रहे हैं। सवाल उठता है कि बायोटेक्नोलॉजी से हम मेडिसिन बना क्यों रहे हैं, तो आंसर आता है हमको कम समय में बहुत सारी मेडिसिन मिल जा रही है, इनेबल अ मास प्रोडक्शन। ठीक है, और जो भी मेडिसिन मिलेंगी, जो भी ड्रग्स मिलेंगी, वो सेफ होंगी और ज्यादा इफेक्टिव होंगी। क्या? सेफ और ज्यादा इफेक्टिव होंगी, और जो ड्रग्स आएंगी वो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं लाएंगी, मतलब अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं लाएंगी। तो ये बड़ा फायदा है, एप्लीकेशन मेडिसिन की बात करेंगे तो इससे क्या होगा, मास प्रोडक्शन, यानी कम समय में हमको ज्यादा मेडिसिन मिल जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा, जो मेडिसिन मिलेगी वो सेफ होगी और ज्यादा इफेक्टिव होगी। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो इम्यूनोलॉजी, कभी कभी खाते हैं ना मेडिसिन, खाने के बाद एलर्जिक रिस्पॉन्स आता है, तो वो एलर्जिक रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अब जो नीचे वाली लाइन लिखी है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है कि प्रेजेंट में 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स ड्रग्स हैं जिनको ऑल ओवर वर्ल्ड अप्रूवल मिला है। ठीक है, जिसमें कि अगर आप देखेंगे 12 ऐसी हैं थेरापेटिक्स ड्रग्स जिनको इंडिया में मार्केटिंग के लिए अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है, हमने आपको क्या बताया कि अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखेंगे तो 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स ड्रग्स हैं जिनको ग्लोबली अप्रूवल मिला है, और हमारे इंडिया में टोटल 12 जो है थेरापेटिक ड्रग्स हैं बायोटेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस की गई हैं जिनको इंडिया में अप्रूवल दिया गया है। यहां तक की कहानी होती है खत्म। ठीक है, अब हम बात करेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या होता है हम आपको बता दें, जो हमारी पैंक्रियास की सेल होती है बीटा सेल, ठीक है, इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है, और ये इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल रखने में हेल्प करता है। अगर यही इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाए तो हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज जो है मेंटेन नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, देखिए बड़ा साफ सुथरा यहां पर लिखा गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स इन ह्यूमन बॉडी, इन सब कुछ डायबिटिक पेशेंट के अंदर इम्यून रिस्पॉन्सेज आते हैं। ठीक है, अगर ह्यूमन इंसुलिन अवेलेबल नहीं है तो एनिमल से पहले क्या करते थे, पहले एनिमल का पैंक्रियास को कट करते थे। क्या करते थे, एनिमल के पैंक्रियास को कट करते थे, और एनिमल के पैंक्रियास को कट करने के बाद जो स्लॉटर्ड कैटल और पिग्स थे उनसे हम क्या करते थे, इंसुलिन जो है इंसुलिन को आइसोलेट करते थे। क्या करते थे, इंसुलिन को आइसोलेट करते थे। ठीक है, हमने क्या बताया कि जो भी पहले, जैसे कि आप लोग मटन मटन खाते ही होंगे सब लोग, ठीक है, जो लोग नहीं खाते कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जो भी लोग मटन खाते होंगे तो वहां पर तो क्या हो रहा है, एनिमल की डेथ हो रही है, स्लॉटर्ड हाउस में जो भी जानवर कट रहे हैं उनका पैंक्रियास को निकाल लिया जाता था, और उससे क्या करते थे, हम बनाते थे इंसुलिन। लेकिन कुछ पर्सन्स में ये देखा गया जो स्लॉटर्ड एनिमल से बना हुआ, ठीक है, जो जिन जानवर को काटा जाता है उनसे बना हुआ जो इंसुलिन था उसका एक एलर्जिक रिस्पॉन्स आ रहा था, ये प्रॉब्लम थी, इसीलिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की जरूरत आन पड़ी। किसकी जरूरत आन पड़ी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की जरूरत आन पड़ी। इंसुलिन के स्ट्रक्चर को अगर देखिएगा तो इंसुलिन में हमको दो स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, एक प्रो इंसुलिन है, ठीक है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, और एक इंसुलिन है आपका। तो इंसुलिन के स्ट्रक्चर को अगर देखिएगा तो इसमें दो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड है ए एंड बी, जो आपस में जुड़े होते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज से। अगर आप ये डायग्राम देखेंगे बच्चों तो आप एक चीज नोटिस करना कि कहाँ गया, हाँ, आप देखोगे ये प्रो हार्मोन है, प्रो इंसुलिन है। ठीक है, प्रो इंसुलिन में आप देखोगे ए चेन पाई जा रही है और बी चेन पाई जा रही है, लेकिन ए चेन और बी चेन आपस में जुड़ा है सी चेन से, लेकिन जब ये मैच्योर होता है तो सी चेन को रिमूव कर दिया जाता है, ए चेन और बी चेन आपस में जुड़ी होती है डाइसल्फाइड ब्रिजेस से। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो कई सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। क्या? कई सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए जो इंसुलिन, पहले तो मान लीजिए ह्यूमन का इंसुलिन, यानी ह्यूमन का पैंक्रियाज में जो बीटा सेल है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, तो हमने स्लॉटर्ड एनिमल से क्या ले लिया है, इंसुलिन ले लिया। ठीक है, लेकिन कई सारे लोगों में एलर्जिक रिस्पॉन्स आ रहा था, तो बायोटेक्नोलॉजी से डेवलप किया गया क्या, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। कैसे
कैसे डेवलप किया गया हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। किया कुछ ऐसा गया कि हम लोग ने क्या किया, ए चेन अलग बना लिया और बी चेन को अलग बना लिया, ठीक है। यानी ए चेन को सिंथेसाइज करने वाले जो भी जीन थे उनको ले लिया गया और उनको प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया गया तो नया रिकॉम्बिनेंट बन गया। उस तरह बी चेन को भी कर दिया गया, खूब सारी सिंथेसिस करवा ली गई और केमिकल असेंबलिंग के थ्रू ए चेन को और बी चेन को डाइसल्फाइड बेस से जोड़ दिया गया, जिससे हमें इंसुलिन मिल गई। और आपको पता है ये जो इंसुलिन है इसका साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, 1983 की बात करेंगे तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इली लिली, ठीक है, अमेरिकन कंपनी का, सॉरी साइंटिस्ट बोल रहे हैं, अमेरिकन कंपनी है इली लिली, ठीक है। 1983 में इली लिली यानी एक अमेरिकन कंपनी ने प्रिपेयर किया था 2 DNA सीक्वेंसेस, ठीक है, जो कि क्या था, एक चेन ए और एक चेन बी था, ठीक है। इसको प्लाज्मिड के अंदर डाल दिया गया, ठीक है, जिस प्लाज्मिड में डाला गया एक एक प्लाज एक इकुलाई क्या कर रही थी, खूब सारा ए चेन की सिंथेसिस करवा रही थी, दूसरी इकुलाई क्या कर रही थी, खूब सारा बी चेन की सिंथेसिस करवा रही थी। उसके बाद इसकी केमिकल असेंबलिंग करा दी गई, ए चेन और बी चेन को जोड़ दिया गया डाइसल्फाइड बेस से और हमको ह्यूमन इंसुलिन मिल गया, ठीक है। उम्मीद होगी ये पोर्शन आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई दिक्कत हुई है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, और दिक्कत नहीं हुई तो थम्स अप कर दीजिए, और कोई दिक्कत है तो बेझिझक पूछ लीजिएगा। हाँ बेटा, बीटा सेल्स पाया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, बीटा सेल्स आपका पाया ही जाएगा, ठीक है। चलिए, यहां तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंसुलिन को लेकर, ठीक है। एनसीईआरटी का डायग्राम है, वो भी हम आपको दिखाएंगे और कैसे ये हेल्प किया जाता है, ठीक है। विपिन भी आ गया है, ठीक है। जीन ट्रांसफर से बन सकता है, जीन ट्रांसफर करके कैसे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा बेटा। केमिकल देखो, एक नेचुरल तरीका होता है इंसुलिन बनाने का, ठीक है, और एक होता है आर्टिफिशियल तरीका होता है। तो ये जो हम लोग बना रहे हैं ये आर्टिफिशियल मेथड है, ठीक है। चलो देखते हैं जीन थेरेपी क्या होती है। जीन थेरेपी वो मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी जीन में डिफेक्ट होते हैं उनको दूर करते हैं। क्या जीन थेरेपी में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द मेथड दैट अलाउड टू करेक्ट द जीन डिफेक्ट। यानी अगर आप देखेंगे ये वो तरीका है जिससे जीन में जो भी हार्मफुल इफेक्ट है या जीन में जो भी अबनॉर्मलिटी है उसको करेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें कैसे करते हैं, हाँ विपिन ब्रो आ गए, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने बोला विपिन ब्रो आ गए, ठीक है। चलो जीन थेरेपी की बात कर लेते हैं, ठीक है। हम बोलने वाले थे कि बहुत दिन बाद आए हैं, हम थोड़ा और भी बोलने वाले थे कि बहुत दिन बाद आए, इन लोग ने बहुत दिन बाद दर्शन दिया, ठीक है। जीन थेरेपी की बात करेंगे बच्चा, ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या करते हैं, करेक्शन किया जाता है, जो भी जीन के डिफेक्ट है उनको करेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए नॉर्मल जीन को लिया जाएगा और जो भी इंडिविजुअल या इम्ब्रायो होगा जिसमें कोई डिसफंक्शनिंग पाई जा रही है, यानी उस इम्ब्रायो का या इंडिविजुअल का जो जीन में डिफेक्ट होगा उस जीन को हटा के क्या वहीं रहने देंगे, उसको क्या करेंगे, मास्क कर देंगे और नॉर्मल जीन को इंट्रोड्यूस कर देंगे। अच्छा अच्छा बाहर आए थे आप, अच्छा 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 अच्छा, चलो कोई बात नहीं बेटा, ध्यान दीजिएगा। जीन थेरेपी में हमने क्या बताया कि जो नॉर्मल, देखो होता क्या बेटा, मान लो किसी का जीन खराब है, ठीक है, मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, मान लो ये पर्सन ए, ठीक है, ये पर्सन है, ध्यान से देखो पर्सन, ये पर्सन है, ठीक है, मिस्टर ए, ये क्या हो गए, मिस्टर ए। अब इनके जीन के अंदर कोई एबनॉर्मिलिटी है, क्या है, जीन में कोई एबनॉर्मिलिटी है तो हम क्या करेंगे, इनके जीन को, जिस जीन में एबनॉर्मिलिटी होगी उसको हटा देंगे और वहां पर क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, नॉर्मल जीन, क्या नॉर्मल जीन को इंसर्ट करके, नॉर्मल जीन को इंसर्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, जीन करेक्शन हो गया, इसी को बोलते हैं जीन थेरेपी। जो पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी थी वो 4 साल की बच्ची, जो कि 4 साल की बच्ची में क्या था, एडिनोसिन डी एमिनेज की डिफिशियंसी हो गई थी, मतलब एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, और ये जो एडिनोसिन डी एमिनेज है, ठीक है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो सोच लीजिए जिस बच्ची में एडिनोसिन डी एमिनेज की सिंथेसिस नहीं हो रही थी उस बच्ची में इम्यून सिस्टम कैसे काम करेगा। तो जो पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी दी गई थी वो 4 साल की बच्ची को दी गई थी जिसके अंदर एडिनोसिन डीएमिनेज की डिफिशियंसी थी, 1990 की बात है। और एडिनोसिन डीएमिनेज के बारे में हमने क्या बताया, ये बहुत जरूरी है
इम्यून सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो अगर एडीए को करेक्ट करना है, एडिनोसिन डीएमिनेस की डिफिशियंसी को करेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, या ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि क्या करे, एडिनोसिन डीएमिनेस का प्रोडक्शन करवा पाए। ठीक है, और दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका यह है कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं। ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करवाते हैं। ठीक है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या करेंगे कि एडिनोसिन डीएमिनेस जो एंजाइम होगा इसको एक्सटर्नल बाहर से देंगे। ठीक है, तो जब बाहर से देंगे तो वो कुछ समय के लिए इफेक्टिव होगा, लंबे समय के लिए नहीं होगा, कंप्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तभी इसको कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं, नहीं तो बाद में इसको कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जीन थेरेपी यानी जीन को करेक्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, परमानेंट क्योर कैसे पॉसिबल है इसका, ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे फंक्शनल जीन इंट्रोड्यूस कर देंगे उस बंदे के अंदर या बंदी के अंदर, मान लो जिसके अंदर प्रॉब्लम है जो कि एडिनोसिन डीएमिनेस की सिंथेसिस नहीं करवा पा रहा है, अगर वहां पर फंक्शनल जीन डाल देंगे, ठीक है, बोन मैरो सेल में, तो परमानेंट क्योर पॉसिबल है। ठीक है, और क्या काम है, और बायोटेक्नोलॉजी का क्या काम है, जल्दी से बता डालिए। बायोटेक्नोलॉजी का अगर काम देखेंगे बेटा तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का भी काम पड़ता है। क्या, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का भी काम पड़ता है। अब ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होती है, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे डायग्नोस करना, जैसे पीसीआर, पीसीआर मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी, क्या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जहां पर हम क्या कर रहे थे कि मान लीजिए क्रिमिनल्स, मान लीजिए क्राइम सीन में, मान लीजिए कहीं क्राइम सीन हुआ है, ठीक है, किसी की डेथ हुई है, वहां पर हमको एक हेयर मिला, यहां पर इसके क्या है रूट हेयर है, इस हेयर के अगर आप देखेंगे हेयर पे जहां रूट हेयर पाया जा रहा है, ठीक है, यहां पर डीएनए है, तो ये हमारे पास यही एक सैंपल है जो हमको मुलजिम तक पहुंचा सकता है। ठीक है, ये वही, ये अगर जो ये हेयर है, इस हेयर का जो डीएनए है ये हमें क्रिमिनल तक पहुंचा सकता है, लेकिन बड़ा कम अमाउंट में डीएनए है, तो हम इसको क्या करते हैं एम्पलीफाई करेंगे। क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे। तो एम्पलीफाई करने के लिए हम जो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो पीसीआर है, और पीसीआर से 30 बिलियन गुना ज्यादा एम्पलीफिकेशन हो जाता था, मतलब 30 बिलियन टाइम्स एम्पलीफिकेशन हो जाता है। दूसरी क्या टेक्निक है मॉलिक्यूलर डायग्नोस करने की, एलिजा है। ठीक है, एलिजा जो है बेटा वो वर्क करती है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे। क्या, एलिजा वर्क करती है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे। जो पुरानी टेक्निक थी आपको पता है, जो पैथोलॉजिकल टेस्ट होते थे पहले, यूरिन का सैंपल लिया जाता था और ब्लड का सैंपल लिया जाता था, जो पहले कोई भी बीमारी को डायग्नोस करने का क्या तरीका था, या तो हम सीरम लेते थे, ब्लड सीरम लेते थे, या हम यूरिन को एनालाइज करते थे, और इसी बिहाव पर हम क्या करते थे, बीमारी का पता लगाते थे। लेकिन अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन और डायग्नोसिस नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर हम देखेंगे पहले पता नहीं, किसी को बीमारी हो गई तब डॉक्टर क्या कहेगा, ये जाके ये चेकअप करा लीजिएगा। ठीक है, ऐसे होता था, लेकिन इसमें क्या है कि हम बीमारी होने से पहले, सीरियस केस होने से पहले ही हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो सिम्टम ऑफ डिजीज ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन हाई। ठीक है, तो ये सब था। अच्छा, पीसीआर के आने से क्या हो गया, देखो पहले कन्वेंशनल मेथड में क्या था कि अगर पैथोजन का नंबर हाई है तभी हमें सिम्टम का पता लगता था। पुराना तरीका जो था, पुराने तरीके में क्या था कि जब भी पैथोजन का नंबर हाई रहता था तभी हमें क्या था, सिम्टम के बारे में पता लग पाता था कि बीमारी है। अगर पैथोजन का नंबर कम है तो सिम्टम के बारे में पता नहीं लग जाता था, मतलब कहने का जब वो बीमारी बहुत सीरियस हो जाती थी तभी हमें पता लग पाता था। लेकिन पीसीआर जो है ये लो कंसंट्रेशन में भी पैथोजन का पता लगा लेता है। लो कंसंट्रेशन में पैथोजन का पता लगा लेता है कैसे, एम्पलीफिकेशन करके, उसके न्यूक्लिक एसिड को एम्पलीफाई करके पता लगा लेगा कि हाँ यार इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है। पीसीआर की हेल्प से हम क्या डिटेक्ट करते हैं, एचआईवी, ठीक है, कैंसर पेशेंट में म्यूटेशनल डिसऑर्डर्स को और अदर जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाते हैं। ठीक है, कैसे, अब देखिए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, उसमें क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को टैग कर देंगे, उसको हाइब्रिडाइज करने का मौका देंगे। ठीक है, उसके बाद हम ऑटो रेडियोग्राफी करा देंगे, यानी इसको बोलते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक के थ्रू हम पता लगाते हैं। किसके थ्रू, ब्लॉटिंग टेक्निक के थ्रू हम पता लगाते हैं, ब्लॉटिंग टेक्निक। ठीक है, इन टेक्निक्स के थ्रू हम पता लगा लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंसुलिन का प्रोडक्शन, मैंने आपको बताया था
एक इंसुलिन के मतलब जस्ट एक रिवीजन करा देते हैं। एक कंपनी थी जिसका नाम था इली लिली, ठीक है, 1983 में, ठीक है, इन्होंने बताया था कि इंसुलिन का जो इन्होंने इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाया था, इन्होंने ए चेन अलग बनाई थी, बी चेन अलग बनाई थी, दोनों को फिर जोड़ दिया था। ए चेन जो थी आपका, ठीक है, वो बनी थी 21 अमाइनो एसिड से, और बी चेन बनी है 30 अमाइनो एसिड से। यानी अगर हम इंसुलिन में देखेंगे कितने अमाइनो एसिड है ए चेन और बी चेन में मिला के, तो टोटल अमाइनो एसिड का नंबर है 51, ठीक है। जब इंसुलिन मैच्योर होती है तो उसमें से सी पार्ट रिमूव हो जाता है, ठीक है। चलिए, हाँ, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये एनसीआरटी का डायग्राम है, देखिए यहाँ पर आप देखिएगा बेटा, ठीक है, ये एनसीआरटी का डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। आपको आवाज हो रही होगी, एक मिनट, प्रो इंसुलिन, इंसुलिन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर प्रो इंसुलिन का भी स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल गया होगा। चलिए हम कुछ बात कर लेते हैं, हाँ, मतलब की बात कर लेते हैं। जिन बच्चों ने स्नैप सॉल्व के लाइव क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और जिन्होंने ऐप नहीं डाउनलोड किया है वो गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और जल्दी से सर्च कर लीजिए स्नैप सॉल्व, आपको मिल जाएगा स्नैप सॉल्व का ऐप, मिलियन डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो लेट मत करिए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसमें आपको फायदे क्या मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस का आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन ट्यूशंस, और अगर आप देखेंगे तो लाइव क्लासेस तो आपकी जा ही रही यूट्यूब पे, ठीक है, क्विज की प्रैक्टिसेस कराई जाएंगी, जैसे कल मेरा मेंटी क्विज होने वाला है, 3 बजे से मेंटी क्विज होगा, ठीक है, और टॉपिक अगर आप देखेंगे स्नैप सॉल्व के लाइव क्लास का चैनल देखेंगे तो वहां पर आपको टॉपिक मेंटी क्विज का मिल जाएगा, तो लेट बिल्कुल मत करिए, मेंटी क्विज को एकदम से ज्वाइन कर लीजिएगा कल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आपके मतलब की बात कर लेते हैं, जीन थेरेपी की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे बच्चों, जीन थेरेपी की बात करेंगे। एक मिनट, हमारा फोन बंद हो गया था, आपके चैट हमें दिख नहीं रहे हैं, तो प्लीज एक बार हाय हेलो कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, आपके कमेंट्स बेटा लेट दिखते हैं, ये बात तो सही बोल रहे हैं, कमेंट्स आपके थोड़े लेट दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों, बट कमेंट्स थोड़े से लेट दिख रहे हैं, ठीक है। तो जीन थेरेपी के बारे में हमने आपको बता दिया था क्या, कि जिसके भी जिस भी पर्सन के जीन में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं उनको करेक्ट करने के लिए जीन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और फर्स्ट टाइम इसका इस्तेमाल 1990 में एक बच्ची थी उसके ऊपर किया गया था, उसके अंदर एडिनोसिन डीएमिनेज की डिफिशियंसी थी, ठीक है, और ये इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंजाइम है। आपका चैट में आया है, कुछ चैट में लिखा हुआ है साफ अक्षरों में, प्रिंसिपल एंड वेरिएशन होगा, कहां पर प्रिंसिपल एंड वेरिएशन होगा बेटा, कहां पर प्रिंसिपल एंड वेरिएशन होगा वो बता दो, क्योंकि हम पूरा देख नहीं पाए। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में हम देखेंगे, ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे, उससे पहले हम आपका चैट देखेंगे, चैट में आप क्या कमेंट कर रहे हैं, तो चैट में आप जल्दी से बता दीजिए, आपने लिखाया था ना, लेट तो दिख रहे हैं लेकिन आपने लिखा था कुछ वेरिएशंस वाला लिखा था, उसके बाद हट गया, चलो कोई बात नहीं। प्रिंसिपल एंड वेरिएशंस किस जगह पर बाबू प्रिंसिपल एंड वेरिएशन होगा, आप पूरा लिखो हम बताते हैं आपको। चलिए, अब हम आपको बताते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जीन में छेड़छाड़ कर कर उनको प्रिपेयर किया गया है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ठीक है, क्या हमने बताया, ये जो भी एनिमल जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होंगे इनकी फिजियोलॉजी नॉर्मल होगी, डेवलपमेंटल प्रोसेस भी नॉर्मल होगा, ठीक है, ठीक है। अगर आप देखेंगे रोजी का नाम लेंगे, बाकी हम आपको डिटेल में दिखाते हैं, वे वैक्सीन की सेफ्टी चेक करने के लिए, डिजीज की स्टडी के लिए और केमिकल सेफ्टी चेक करने के लिए भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा छोटे जो चूहों चूहे होते हैं, गिनी पिग्स, जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तो वो भी एक तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड है जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल की बात कर लेते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होंगे, जिनके साथ डीएनए में छेड़छाड़ मैनिपुलेशन किया गया होगा, ठीक है, फॉरेन जीन को एक्सप्रेस कराने के लिए डीएनए के साथ छेड़छाड़ की गई होगी, तभी हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल बनेगा। तो कोई पूछे भैया ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कभी भी अगर फॉरेन जीन को एक्सप्रेस कराने के लिए, ठीक है, कोई भी फॉरेन जीन को एक्सप्रेस कराने के लिए डीएनए में मैनिपुलेशन किया जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम ट्रांसजेनिक एनिमल, क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल। इसका एग्जाम्पल हो गया ट्रांसजेनिक रैट, 95% ऑफ द जो रैट है वो ट्रांसजेनिक है, रैबिट हो गया, पिग्स हो गया, शीप हो गया, काउ हो गया और फिश हो गया,
ठीक है। अब एक चीज समझिएगा और क्या है, हेल्प्स इन नोइंग द बायोलॉजिकल रोल ऑफ अ फैक्टर इन द बॉडी, ठीक है। यानी अगर आप देखेंगे कि फैक्टर्स यानी जीन का क्या रोल है हमारी बॉडी में, उससे भी हम इसको पता लगा सकते हैं। मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल में अगर आप देखेंगे पर्टिकुलर जीन का काम क्या है, तो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई एनिमल है, उसके अंदर हमने जीन इंट्रोड्यूस किया, तो इंट्रोड्यूस करने के बाद हम क्या है, बायोलॉजिकल इफेक्ट, उसका क्या इफेक्ट होगा, उस जीन का इफेक्ट क्या होगा, हम पता लगा सकते हैं। मान लो कोई एनिमल है, मान लो मैं ही हूं, मेरे अंदर क्या किया गया, कोई जीन की टेस्टिंग की जा रही है, तो एक मेरे अंदर कोई जीन इंसर्ट किया गया। अब वो जीन का रोल क्या आएगा, ठीक है, मेरे सींग निकल जाएगी या कुछ होगा ही नहीं, उसको हम पता लगा सकते हैं कि उस जीन का रोल क्या है। और क्या है, मेड टू सर्व एज अ मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीज, दे डिजाइन टू इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, ठीक है। और अगर मान लो किसी जीन की वजह से कोई डिजीज हो रही, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी तो बनेगी कि ये जीन कैसे डिजीज कॉज कर रहा है, अगर हम इसमें कुछ चेंजेस लाएं तो कैसे डिजीज से बचा जा सकता है, ये भी सब हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, 1997 में, ठीक है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जिसका नाम था रोजी, ठीक है, रोजी को प्रोड्यूस किया गया। ये क्या कर रही थी, ह्यूमन प्रोटीन इनरिच मिल्क का प्रोडक्शन करवा रही थी। क्या, ह्यूमन प्रोटीन इनरिच मिल्क, यानी अगर आप इसके 1 लीटर दूध की बात करेंगे, उसमें 2.4 ग्राम ह्यूमन प्रोटीन पाया जा रहा था, ठीक है। अब ह्यूमन प्रोटीन में क्या होता है, ह्यूमन अल्फा लैक्टलब्यूमिन होता है, ठीक है, यानी जो नॉर्मल काउज होती है उसमें नहीं पाया जाएगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो ह्यूमन प्रोटीन होता है उसमें ह्यूमन अल्फा लैक्टलब्यूमिन होगा, जो कि हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करेगा। और क्या बनाया गया है, ट्रांसजेनिक माइस बनाया गया है। जो भी वैक्सीन है, जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन आने वाली है, तो उसको टेस्ट कहाँ किया जाएगा, किसी ह्यूमन पे किया जाएगा या किसी बड़े एनिमल पे किया जाएगा, ट्रांसजेनिक माइस के ऊपर किया जाएगा। या किसी भी ड्रग्स की टॉक्सिसिटी टेस्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग देखेंगे तो ये पूरा का पूरा पोर्शन, यानी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर एंड बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, ये जो चैप्टर है, ये हम लोगों ने एकदम अच्छी तरीके से खत्म कर लिया, एक एक पॉइंट क्लियर करके, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, ठीक है, जीन थेरेपी का क्या रोल है, इंसुलिन का क्या रोल है, मतलब हर एक चीज हमने क्लियर कर ली यहाँ पर, कोई एक पॉइंट भी रह नहीं गया। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पहले तो हम कुछ डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन का बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक चैप्टर है आपका स्ट्रैटेजीज करके एक चैप्टर है, ठीक है, ठीक है, फूड इनहेंसमेंट को लेकर स्ट्रैटेजीज का एक चैप्टर है। तो उसमें दो पार्ट है, एक प्लांट वाला है और एक एनिमल वाला पार्ट। उस चैप्टर को हम आगे समझेंगे यानी नेक्स्ट वीक में। तो यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है कि नहीं है? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो एक बार जल्दी थम्स अप कर दीजिए, और प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम वेट कर रहे हैं, जल्दी से आपको समय दे रहे हैं। तब तक हम आपका थैंक यू तो कर देंगे, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, ठीक है। अरे ओ माय गॉड, चलिए थैंक्स करना होगा भाई आप लोगों को, बिल्कुल, आप लोग पूरा मेहनत के साथ देखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। ठीक है, चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर।